कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन न कब्जा कर रहे हैं या भूमाफिया की तरह काम न कर रहे हो। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, लोगों पर दबाव बना रहे हैं, लोगों पर तरह तरह के धमका करके उनसे जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के, जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है, महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, कस्टोडियल डेथ बढ़ी है, उसके बाद ही सरकार जीरो टॉलरेंस बोलती है कानून व्यवस्था को लेकर के, आए दिन घटना हो रही है, और अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर्स, अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं करप्शन के लिए, और फिर निवेश के जो सपने दिखाए थे कि उत्तर प्रदेश में 40,00,000 करोड़ का निवेश आएगा, उत्तर प्रदेश में कितना निवेश पहुंचा है और उस निवेश से कितनी नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। और अब तो दूसरे प्रदेश के लोग भी निवेश के लिए उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश सरकार में जब यहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यहां पर निवेश करेंगे, आज वही उद्योगपति दूसरे प्रदेशों में निवेश कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में निवेश का संकल्प ले रहे हैं, तो बताइए उत्तर प्रदेश में निवेश कब आएगा। इन तमाम सवालों को लेकर के चर्चा हो रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी मिलकर के, विधानसभा के अध्यक्ष जो यहां पर बैठे हैं, ये सभी मिलकर के समाजवादी पार्टी को समय भी देंगे, अच्छे कार्यकर्ताओं से काम लेकर के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। किसान की आय दोगुनी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देश में बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हैं। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री दुनिया में किन देशों में कितनी बार गए हैं, और जिस सरकार पर यह आरोप लग रहे हों कि दूसरे देश इस बात के लिए कह रहे हैं कि उनकी धरती पर, उनकी जमीन पर हत्याएं हो रही हैं, भारत जैसे देश पर अगर आरोप लग रहे हों तो हमारी विदेश नीति कैसे सफल होगी। सर, यूरिया की जो बोली थी टीवी आपका आया इस वजह से 45 से 40 किलो प्रति यूरिया से, भारतीय जनता पार्टी ने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखा है महंगाई बढ़ाना। पार्ले जी बिस्किट पैकेट ने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया और बिस्किट कम करते चले गए पैकेट में। ये बीजेपी सरकार भी किसानों से लूटने का काम कर रही है, कभी 45 रुपए की, अब 40 की, और सरकार बना ले जाएंगे तो हो सकता है 35 की कर देंगे बोरी, पैसा उतना ही वसूलेंगे। सर, ये आरटीआई से पता चला है कि जो जनधन अकाउंट खुले हैं उसमें 1.2 करोड़ अकाउंटों में सिर्फ 1 रुपया है, वो भी 2 बैंकों ने अपनी तरफ से जमा किया है, और ये दावा करते हैं कि उन्होंने 15 करोड़ या 20 करोड़ जनधन अकाउंट खोले हैं। चिंता का विषय ये है कि बैंकें मर्ज हो गई हैं और नोटबंदी के बाद पूरे देश का पैसा बैंकों में जमा हो गया, 10,00,000 करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का पैसा माफ हो गया। उत्तर प्रदेश के किसान, देश के किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ हुआ, उनका कर्ज कितना होगा, 2,00,000 करोड़, 3,00,000 करोड़, 5,00,000 करोड़, लेकिन उद्योगपतियों का पैसा 10,00,000 करोड़ माफ हो गया, ये चिंता का विषय है। सर, एक सवाल और है, अभी कांग्रेस के जो नेशनल अलायंस थे उसके साथ मीटिंग हुई है, उसमें प्रोफेसर साहब मौजूद थे, क्या कुछ अभी सीट शेयरिंग पे क्या बात निकल पे आई है, बीएसपी पे क्या फोकस है? मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो
अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। सर मायावती को लेके भी क्या कुछ? नहीं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि किस चैनल के लिए काम कर रहे हैं? अगर नहीं जा रहे राम मंदिर, ये व्यक्तिगत विषय होता है और व्यक्तिगत विषय पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के बारे में। सर आलोक कुमार जो है बीजेपी वाले, उन्होंने कहा कि आपको डाक के थ्रू निमंत्रण भेजा गया है, तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये क्या बात हुई आपकी? पत्रकार साथियों, आप भी मदद करिए किसानों की, आप भी मदद करिए बेरोजगार नौजवानों की, और आप भी कहीं ना कहीं सवाल उठाइए महंगाई का। सर सुनने में आ रहा है कि अयोध्या से जो जमीनें आवंटित की जा रही है गुजरात के व्यापारियों की जा रही है। अगर आप सूची दे दोगे तो हमारी मदद हो जाएगी। अगर आप सूची दे दोगे, हम पे तो सूची है नहीं, ना हमें सूची मिली है, अगर हमारे पत्रकार साथी कुछ मदद कर दें तो बड़ी मदद होगी इसमें। लेकिन बीजेपी के लोग इस समय भूमाफिया का काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी खाली जमीन मिल रही है अधिकारियों से मिल करके वो जमीन कब्जा कर ले रहे हैं। सर एक सवाल और है, अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है सरकार, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे माइनॉरिटी सेल की तरफ से लेटर लिखा गया प्रधानमंत्री को कि जो मदरसा शिक्षा के जो 25,000 प्रोटेस्ट में बैठे उनको जो केंद्राज और स्टेट से जो अनुदान मिलता है उसको खत्म कर दिया गया, 25,000 बेरोजगार एक साथ हो गया। अगर $1 trillion इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश देख रहा है और $5 trillion की इकोनॉमी से ज्यादा देश की इकोनॉमी होने जा रही है, तो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारे असंख्य भाई या पिछड़े या दलित, उनके बजट में किसी तरीके से कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए के बजट में कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए को जितनी मदद हो सके मदद करनी चाहिए, बजट के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पीडीए को लेकर के और पीडीए के आंकड़ों को लेकर के उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। अगर पीडीए ढूंढने निकलोगे, आप उनके बजट का ढूंढने निकलोगे, तो आप पाओगे कि उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी काम लगातार करती रहेगी। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे स्ट्राइक रेट काम पूरा करने सबसे ज्यादा है, अभी तक जितने वादे किए सब पूरा कर दिए। मेरे जागरूक पत्रकार, मेरे समझदार पत्रकार, मेरे सबसे इंटेलिजेंट पत्रकार और मेरा सबसे ईमानदार पत्रकार, प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने और समाजवादी सरकार ने उस समय मिलकर के पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था शाहजहानपुर का। क्या शाहजहानपुर का मेडिकल कॉलेज चलने लगा है? जितने उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, जितने प्रोफेसर होने चाहिए, जितने टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, क्या पूरा हो गया? आज उत्तर प्रदेश में गांव में जाइए, बड़े पैमाने पे लोग कैंसर से बीमार हैं। इसी राजधानी में रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी थी कैंसर की, क्या वो कैंसर इंस्टीट्यूट चालू हो गई? इसलिए मेरे समझदार पत्रकार, जाकर के कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना कैमरा लगाइए, वहां पर जो डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो गए हों तो उनसे पूछिए, जानकारी हासिल करिए, और अगर ऑफिस आपको इजाजत दे दे तो जो उन्होंने पहला मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार के सामने शिलान्यास किया था, क्या वो मेडिकल कॉलेज गरीब जनता की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पीडीए के बजट में कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए को जितनी मदद हो सके मदद करनी चाहिए, बजट के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पीडीए को लेकर के और पीडीए के आंकड़ों को लेकर के उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। अगर पीडीए ढूंढने निकलोगे, आप उनके बजट का ढूंढने निकलोगे, तो आप पाओगे कि उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी काम लगातार करती रहेगी। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे स्ट्राइक रेट काम पूरा करने सबसे ज्यादा है, अभी तक जितने वादे किए सब पूरा कर दिए। मेरे जागरूक पत्रकार, मेरे समझदार पत्रकार, मेरे सबसे इंटेलिजेंट पत्रकार और मेरा सबसे ईमानदार पत्रकार,
प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने और समाजवादी सरकार ने उस समय मिलकर के पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था शाहजहांपुर का। क्या शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज चलने लगा है? जितने उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, जितने प्रोफेसर होने चाहिए, जितने टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, क्या पूरा हो गया? आज उत्तर प्रदेश में गांव में जाइए, बड़े पैमाने पर लोग कैंसर से बीमार हैं। इसी राजधानी में रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी थी कैंसर की, क्या वो कैंसर इंस्टीट्यूट चालू हो गई? इसलिए मेरे समझदार पत्रकार, जाकर के कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना कैमरा लगाइए, वहां पर जो डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो गए हों तो उनसे पूछिए, जानकारी हासिल करिए, और अगर ऑफिस आपको इजाजत दे दे तो जो उन्होंने पहला मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार के सामने शिलान्यास किया था, क्या वो मेडिकल कॉलेज गरीब जनता की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर, भ्रष्टाचार शिक्षक भर्ती क्या बात थी, अभी भी लगातार धरने पे हैं। उनकी मदद समाजवादी लोग करेंगे, जब मौका मिलेगा तब मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं की जा सकती मदद की। बताया जा रहा है अमेठी और रायबरेली की सीट सपा कांग्रेस को दे रही है, आपको प्रत्याशी भी पता होगा तो वो भी बता दो। सर, स्मारक घोटाले पे लंबे समय बाद छापे फिर से पड़ने लगे, मेरी जानकारी में नहीं है। कौन से स्मारक पे छापा पड़ा? स्मारक घोटाले को लेकर के सर, एक लंबे समय बाद कल फिर से छापे पड़े हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। कहाँ कहाँ छापे पड़े हैं? सर, सीपी सिंह जो समय के तत्कालीन रहते सर, क्या ये भी जो है राजनीतिक, ये बहुत नॉर्मल बातें हो गई हैं, कार्रवाई होना तो स्वाभाविक है, कार्रवाइयां तो चलती रहेंगी, चुनाव जितना करीब आएगा। अखिलेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य लग रहा है भाषण दे रहे हैं हिंदू विरोधी और कार्यक्रमों पर, हिंदू देखिए आप पूरी जानकारी करके तब बोला करें तो अच्छा रहेगा, आप पूरी जानकारी करिए उसके बाद बोला करें तो अच्छे पत्रकारिता कर पाएंगे। सर, प्रधानमंत्री लक्षद्वीप तो जाते हैं लेकिन मणिपुर की घटना पे बोलते हैं मणिपुर नहीं जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और हमारी हमेशा मदद करते हैं। आगे